और हमारे साथ कुछ देर के लिए आ रहे हैं दिलीप घोष, जो कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले कुछ सीधे सवाल दिलीप घोष से करेंगे, उसके बाद दंगल की आज की बहस पर आएंगे। दिलीप घोष, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, तीसरे चरण की रिपोर्ट क्या रही आपके पास, कैसा चल रहा है चुनाव आज? दो चार फोन करके लोगों को डराने का प्रयास हुआ था, इस बार भी हुआ है। कल रात को ये अपने कार्यकर्ता की हत्या हुई है, पीट पीट के मार दिया गया। आज उस जगह में गड़बड़ थोड़ा सा हो रहा है, जिसे डायमंड हार्बर, जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पनवे पर अटैक हुआ था, अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है, उपद्रुत इलाका माना जाता है, कानून व्यवस्था का नंबर निशान नहीं है। वहां कुछ जगह में जहां मिक्स पॉपुलेशन है, हिंदू लोगों को रोका जा रहा है, करने के लिए डराया जा रहा है, और एक आध जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वोटिंग बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे कि आरामबाग से मुझे खबर मिला कि लगभग 65% वोटिंग हो चुकी है, तो काफी तेजी वोटिंग है। मैं जैसे कि बता रहा था कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, लोगों का मन से भय खत्म हो जाएगा और लोग और उत्साहित होकर के चुनाव में भाग लेंगे और वोटिंग करेंगे। मुझे लगता है इस बार भी 80% से ऊपर पोलिंग होगा। लेकिन दिलीप जी, टीएमसी वाले कहते हैं कि आपके लोग मार रहे हैं, आप कहते हैं कि टीएमसी वाले मार रहे हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं चुनाव तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, तो मानना किस बात को सही मानना है? हिंसा हो रही है या सब कुछ ठीक ठाक है? हिंसा तो हो रही कम, बिल्कुल इसलिए कर रहा हूं कम, जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, बाहर तो लोगों को डराया जा रहा है, रोका जा रहा है, पर मर्डर तो हुई है, दो फेज में लगभग 8 मर्डर हुआ है, अब कल भी हुआ है, तो बंगाल की जो रक्तरंजित राजनीति है वो इतना जल्दी नहीं बदलेगा। हाँ, ये बात सही है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा तो वहां से परिवर्तन हो सकता है। लेकिन दिलीप जी, आपको लगता नहीं कि पीएम को कम से कम ये हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेलना चाहिए? ममता जी को जवाब के नाम पर ही सही, वो भी तो ले ही आए ना हिंदू मुसलमान। देखिए, बंगाल में ये तो देश का विभाजन हुआ था हिंदू मुस्लिम का आधार, उसी समय से सांप्रदायिक राजनीति चल रही है, हम इसका विरोध में लड़ाई करते हैं, और इसलिए यहाँ संख्या लोगों को समाज की संख्या ज्यादा होने का कारण थोड़ा उस पर पार्टियों का रुझान रहता है। कांग्रेस ने उनका वोट से राज चलाया, सीपीएम ने 34 साल चलाया, आज जो संख्या लोगों समाज उनके अनुसार ही टीएमसी के पक्ष में है, इसको भी तोड़ना है। हम मुझे लग रहा है इस चुनाव के बाद इसमें परिवर्तन आएगा, और इसीलिए उनको रिझाने के लिए ममता बनर्जी ने कई प्रकार की योजनाएं चलाई, उनके लिए स्कूल कॉलेज पॉलिटेक्निक आईआईटी सब अलग कर दिए, उनके लिए यूनिवर्सिटी अलग कर दिए, इमाम मुअज्जिन को भत्ता दिला दिए, ऐसा यहाँ तक कि मुसलमानों में ओबीसी जाति निकाल करके उनको सर्टिफिकेट दे करके और उनको ए कैटेगरी का ओबीसी बनाया गया, ये सारा किया गया संविधान से बाहर, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि मुसलमानों को कोई तरक्की नहीं हुई है, देश में सबसे पिछड़े है हमारे बंगाल के मुसलमान, आज वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये जो हो रही है हमको वोटर बना कर रखा गया है, हमें कोई अधिकार नहीं मिला है, मुझे कोई सुविधा नहीं मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो योजनाएं चल रही है, चाहे गैस हो, चाहे शौचालय घर हो, जो भी, उसमें सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम समाज को यहाँ मिला है, वो भी आज सोच रहे हैं कि इस प्रकार राजनीति कब तक चलेगा, बीजेपी का डर दिखा करके वोट लेना किसी पर छोड़ देना, मुझे लगता है इसमें परिवर्तन आएगा, और ये जो हिंसा का और भ्रष्टाचार की जो राजनीति बंगाल में बंगाल को खा रही है, इसमें भी इस चुनाव के बाद परिवर्तन आएगा। नहीं, आप उनको सांप्रदायिक कहते रहिए, वो आपको सांप्रदायिक कहते हैं, वो कहते हैं कि आप तो जय श्री राम को चुनावी नारा बना चुके हैं, आपसे सांप्रदायिक कौन है फिर? हाँ, जय श्री राम नारा एक सांस्कृतिक है, राम मंदिर आंदोलन हमारी अस्मिता की प्रतीक थी, वहां से नारा उपजा है, और जो बंगाल प्रदेश जिसको बहुत सेकुलर मानते थे लोग, वहां के लोग जय श्री राम गाँव गाँव में बोल रहे हैं, बच्चे महिलाएं बोल रही है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम के रूप में अंग्रेज के खिलाफ लोग गुस्सा निकालते थे, यहाँ आज वही हो गया है, राजनीतिक समझती है, एक समाज की स्वाभाविक प्रतिवाद की नारा बन चुकी है, टीएमसी की जो कुशासन है उसके खिलाफ ये नारा, नहीं तो गांव गांव हमने थोड़ी ना पहुंचाया, बल्कि ममता बनर्जी ने जब इनका विरोध किया, जैसे राम बल्लेवाल को जेल भेजा और लोगों में और ज्यादा जोश आया और लोगों ने बोलना, आज तो उनको रास्ते में लोग इस आवाज के साथ बुलाते हैं जय श्री राम बोल कर, तो ये जो जय श्री राम नारा है कोई ना तो सांप्रदायिक ना कुछ, ना तो हमने सब जगह फैलाया, परिस्थिति के कारण लोगों ने इसको स्वीकार किया है और परिवर्तन का नारा बन चुका है। तो बंगाल के मुसलमान वोट देंगे आपको, या आप भी अपने असम के नेताओं की तरह ये मान के चल रहे हैं कि नहीं मुसलमान तो हमको वोट करेगा नहीं?
उसके बिना ही चलाना। नहीं देंगे, पिछले बार थोड़ा बहुत दिए हैं, अब कितना देंगे तो बात अलग है, लेकिन मुसलमान भी आज सोच रहे हैं कि इस प्रकार दोस्तों की राजनीति जो हो रही है इससे किसको फायदा हो रहा है। गरीब तो गरीब है, बंगाल पूरा पीछे है, उसमें मुसलमान और पीछे है। इसीलिए इस बार जो उनके अंदर भी हलचल हुई है, काफी बड़ी संख्या में हमारी पार्टी में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए हैं और लिखे बड़े अच्छे लोग हैं, और महिलाओं में भी काफी जोश में देखा, मुस्लिम इलाका में रोड करते हुए कार्यक्रम करते हैं, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, वहां के सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि मुस्लिम समाज भी थोड़ा पुराना धारणा से निकल करके आगे देश के साथ जुड़ करके विकास के धारा में आना चाह रही है, और माध्यम उसका भारतीय जनता पार्टी है। दिलीप बाबू, अभी तक आपकी पार्टी पे आरोप लगता था कि चुनाव आयोग के साथ आपकी सांठगांठ है, आज टीएमसी नेता के घर ईवीएम मिल गई, खुश तो होंगे आज आप काफी? देखिए चुनाव आयोग के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने इसी चुनाव आयोग का देखरेख में जो चुनाव हुआ, इसी सेंट्रल फोर्स का सहारा लेकर के और ईवीएम मशीन के द्वारा दो बार विधानसभा में बहुमत से चुन करके चीफ मिनिस्टर बनी, बीच में दो बार तीन बार विधान लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी अच्छी फिट वोट उनको मिली है और सीट मिली है। तो आज ऐसा क्या हो गया अचानक एकदम ईवीएम को, चुनाव कमीशन को, सेंट्रल फोर्स को टारगेट बना ली? आज पुलिस वालों को भी गाली देना, जो खुद पुलिस मंत्री थी, पुलिस भी उनकी बात नहीं सुन रही, वो सोच रहे थे पुलिस भी उनके कैडर जैसा काम करे, लेकिन आज परिस्थिति हो और चुनाव कमीशन का देख रेख में वो स्वतंत्र हो गए हैं, इसलिए काम शायद उनका बात नहीं सुन रहे, इसलिए उसको भी गाली दे रहे। तो मतलब सबसे चिढ़े हुए हैं कि समझ ठीक नहीं जा रही है, उल्टा पड़ रहा है सब, उनके नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, जो है वो भी चुपचाप घर में, कोई प्रचार में नहीं निकल रहे हैं। इस प्रकार एक परिस्थिति में ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है। लेकिन दिलीप जी, ऐसे मामलों से चुनाव आयोग की छवि को धक्का तो लगता है ना, इतना तो मानेंगे कि नहीं? नहीं, चुनाव आयोग देखिए, इसके पहले भी बंगाल में दो दो बार फेयर इलेक्शन चुनाव आयोग ने कराया था, और कई कई जगह गड़बड़ होती थी, हम लोग उसका प्रतिवाद करते, बार बार उनके पास जाते थे। इस बार भी बार बार हम और हमारे बाकी जो विरोधी पार्टी, उनको उन लोगों ने भी जो यहाँ होता है घटना जानकारी के लिए उनको दिया था, हमने भी दिया है, और आज भी हम संपर्क में है, जब जरूरत पड़ता है हम जाके उनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि इसका सुधार करिए। तो ममता बनर्जी भी करें, उसे जाकर अपना गुहार लगाए, अपना डिमांड पेश करें और उनको मजबूर करें सही दिशा में और स्वच्छ और साफ सुथरा चुनाव करने के लिए। दिलीप जी, लेकिन अभियोग करने से, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता। आज उन्होंने मैदान छोड़ करके ऑफिस बनाकर वहीं से लोग कंप्लेन लेटर भेज रहे हैं, उससे क्या होने वाला? आज तीन चरण खत्म हो रहे हैं, आज आपके तेवर उतने तीखे नहीं है, थोड़े ढीले लग रहे हैं, अभी भी 200 पार पे कायम है या थोड़ा प्लान में चेंज हो रहा है? नहीं देखिए, जिस गति से चुनाव शुरू हुआ था जंगल महल से, जो हमारे कोर इलाका था, उसी गति में आगे बढ़ रहा है। आज का चुनाव जहां हो रहा है वहां हमारा कमजोर क्षेत्र है और गुंडागर्दी हिंसा होती है खूब, फिर भी जिस प्रचार, जिस ढंग से प्रचार हुआ और लोगों में जो रिस्पॉन्स मिला है, मुझे लगता है वो भी हमारे हाथ से उछलता नहीं रहेगा, यहाँ भी परिवर्तन हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप घोष आज तक पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो जैसा हमने आपको